नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं किरण शर्मा। दिन भर की कुछ खास सुर्खियों के साथ बात करेंगे हरियाणा की ताजा खबरों की। हिमाचल सरकार ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए 22 जनवरी को घोषित किया सार्वजनिक अवकाश। कांग्रेस दिल्ली से फूकेगी लोकसभा चुनावों का बिगुल, गीता कॉलोनी रामलीला मैदान में करेगी बड़ी रैली। आम आदमी पार्टी 22 जनवरी को दिल्ली में निकालेगी शोभा यात्रा, भंडारे का भी करेगी आयोजन। अफगानिस्तान में दुर्घटनाग्रस्त हुआ यात्री विमान, रूस की राजधानी मॉस्को जा रहा था, तोपखाना के पहाड़ों में हुआ यह हादसा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने उद्धव ठाकरे को भेजा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता। अयोध्या का सरयू नदी में आज लॉन्च होगा गरुड़ क्रूज, पोलैंड में बनकर हुआ तैयार। दिल्ली एम्स में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन नहीं बंद रहेंगी ओपीडी सेवाएं, अस्पताल ने वापस लिया फैसला। दिल्ली एम्स ने 22 जनवरी दोपहर 2:30 बजे तक ओपीडी सेवाएं बंद करने का अपना फैसला किया था, जिसे अब वापस ले लिया गया है। इस पर विपक्ष ने हैरानी जताते हुए कहा, इस फैसले की आलोचना की। इससे पहले केंद्र सरकार ने बीते दिनों 22 जनवरी के दिन सभी केंद्रीय संस्थानों में आधे दिन की छुट्टी देने का ऐलान किया था। जालंधर में पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार। ओटीटी नहीं, सिनेमा घरों में दस्तक देगी फिल्म मैदान, आमने सामने नजर आएंगे अजय देवगन, कार्तिक आर्यन और अक्षय कुमार। शोएब की तीसरी शादी के बाद सानिया मिर्जा ने तोड़ी चुप्पी, कहा कुछ महीने पहले हो चुका तलाक। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शोएब मलिक ने तीसरी शादी कर ली है। शनिवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी शादी की तस्वीरें साझा की। इसके बाद से ही सानिया मिर्जा की निजी जिंदगी को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया। लेकिन अब दोनों के बीच तलाक को लेकर सानिया ने बातें साफ कर दी हैं। हम हिंदू हैं, हमें आमंत्रित नहीं किया गया, प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ना मिलने पर बीआरएस नेता ने कही दिल की बात। राजनीतिक जगत से लेकर खेल जगत तक के नामचीन हस्तियों को 22 जनवरी के दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अयोध्या आने के लिए न्योता दिया गया है। भारत राष्ट्र समिति की नेता और MLC की कविता ने कहा कि हमें आमंत्रित नहीं किया गया, लेकिन श्री राम सबके भगवान हैं। इससे पहले भी कविता राम मंदिर उद्घाटन को लेकर खुशी जाहिर कर चुकी है। पीएम मोदी जैसा नेता चाहते हैं इमरान खान, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता पर सीएम मोहन यादव का बयान। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए यूपी के विधायक भी उपवास पर, मरहरा में विधायक वीरेंद्र लोधी के घर चल रहा अनुष्ठान, 3 दिनों के उपवास पर हैं MLA। कर्नाटक में आरक्षण को लेकर गरमाई राजनीति, दलित रिजर्वेशन को लेकर सीएम सिद्धारमैया ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा कि केंद्र सरकार अगर दलितों की भलाई चाहती है तो संविधान की धारा 341 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पेश करना चाहिए। हैदराबाद में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास संस्थान शुरू, तेलंगाना बीजेपी प्रमुख बोले जल्द खोली जाएंगी और भी इकाइयां। यह थी अब तक की कुछ खास खबरें, अब नजर डालते हैं हरियाणा की ताजा खबरों पर। पूर्व मंत्री निर्मल सिंह का सरकार पर हमला, बोले बीजेपी JJP ने सत्ता सुख भोगने की राजनीति की, प्रदेश में कर्ज, महंगाई, बेरोजगारी और अपराध बढ़े हैं। हरियाणा कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री निर्मल सिंह रविवार को अम्बाला सिटी कांग्रेस भवन पहुंचे, यहां वर्कर्स ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पूर्व मंत्री ने हरियाणा की गठबंधन सरकार पर तीखा हमला बोला। सिंह ने कहा कि भाजपा और जजपा ने हमेशा जन सरोकार को नजरअंदाज करके सिर्फ सत्ता सुख भोगने की राजनीति की है। जय श्री राम के जयकारों से गूंजा अम्बाला, ट्विन सिटी हुई राममय, भव्य शोभा यात्रा निकली, गृह मंत्री अनिल विज ने झंडी दिखाकर किया रवाना। हिसार में 7 घंटे बाद पकड़ा तेंदुआ, तीसरे इंजेक्शन पे हुआ बेहोश, पकड़ने की कोशिश करते कर्मचारी पर किया हमला। लोकसभा से पहले संभव नहीं निगम चुनाव, हरियाणा सरकार ने इलेक्शन कमीशन को नहीं भेजी वार्ड बंदी की लिस्ट, 29 जनवरी तक अपडेटेड वोटर लिस्ट आने की उम्मीद। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस, 4 कमेटियां बनाई, SRK सहित पूर्व CM हुड्डा का नाम, डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी भी बनाई। हरियाणा में कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। केंद्र नेतृत्व ने चुनाव से पहले 4 बड़ी कमेटियों की लिस्ट जारी की है। इन लिस्ट में पार्टी में चल रही गुटबाजी को देखते हुए सूबे के सभी बड़े चेहरों को जगह दी गई है। इसमें रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी सहित पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पार्टी अध्यक्ष चौधरी उदय भान और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा को भी जगह दी गई है।
यह थी देश दुनिया की खबरों के साथ हरियाणा की ताजा खबरें। कल फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार।